हेलो स्टेंड तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ स्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी वेलोसिटी और सैटेलाइट उसके बाद हम लोगों ने ऑर्बिटल वेलोसिटी और वेलोसिटी के बीच रिलेशन भी देखा था और टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सर्टे लाइट तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के सर्फेस से कितने हाइट पे हमारा सैटेलाइट जो है वो रोटेट करता है अराउंड दी अर्थ ठीक है तो हम लोगों ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था स्टैंड तो वहां पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा क्या आया था तो बी नो टी इक्वल टू, टू टू पाई कैपिटल आर प्लस एच होल्ड टू दी पावर थ्री बाई टू अपॉन अंडर रूट जी आर स्क्वायर क्लियर स्टैंड ये हमारा टाइम पीरियड का आया था तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे हाइट क्योंकि हमको यहाँ पे हाइट दिख भी रहा है तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है थीके? तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन क्या हो जाएगा टी अंडर रूट जी आर स्कवायर इक्वल टू टू पाई आर प्लस एच होल टू पावर थ्री बाई टू ठीक है अब स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो देन टी स्क्वायर रूट हट जाएगा यानी जी आर स्क्वायर इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टैंड तो स्क्वायरिंग करेंगे तो आर प्लस एच का क्यू ये कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा टू ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं स्टैंड ये जो पूरा पार्ट है इसको उठा के इधर ले आते हैं ठीक है तो फोर पाई स्क्वायर आर प्लस एच का होल क्यू इक्वल टू टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर ठीक है अब फोर पाई को नीचे ले जाते हैं देन आर प्लस एच का होल क्यू इक्वल टू टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर क्लियर लिए स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे q है q को उधर ले जाएंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं r प्लस एच इक्वल टू टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर और पूरे का क्या हो जाएगा स्टैंड वन बाई थ्री ठीक है अगेन हमको h चाहिए तो इस आर को उठा के उधर ले जाते हैं तो दियर फोर एच इक्वल टू टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर ऑन फोर पाई स्क्वायर होल टू दावर वन बाई थ्री माइनस क्या हो जाएगा स्टैंड कैपिटल आर ठीक है दिस इज एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ क्लियर स्टैंड हेलो स्टैंड तो नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ऑफ अ सटे ठीक है तो एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट यानी जो ये सेटेलाइट हमारा वी नॉट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो इसके पास क्या स्टैंड तो कानिक एनर्जी भी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा क्योंकि तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी बॉडी है तो उसके पास कानेटिक एनर्जी भी होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी ठीक है तो इस सेटेलाइट के पास जो कानेटिक एनर्जी है वो कितना हो जाएगा तो देखिए कानेटिक एनर्जी ऑफ अ सेटे तो सैटेलाइट का कनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा इट मीन्स के ई इक्वल टू हाफ वेलोसिटी कितना स्टैंड भी नॉट स्क्वायर ठीक है? यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं वन बाई टू एम भी नॉट को क्या लिख सकते हैं स्टैंड अंडर रूट जी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर है ना हम लोग पढ़े थे फॉर एनी प्लेनेट के लिए ठीक है तो वन बाई टू यहां से देखिए क्या हो जाएगा एम ये रूट हट जाएगा देन कैपिटल अपॉन है ना यानी इसको लिख सकते हैं स्टैंड वन बाई टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर दिस इज वॉट कानेटिक एनर्जी ठीक है तो अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को पता है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पीई इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लेसमेंट तो दे आर फोर टोटल एनर्जी एनर्जी ऑफ सेटेलाइट ठीक है तो टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट क्या हो जाएगा तो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितना है देखिए वन बाई टू जी एम एम अपॉन आर ठीक है तो जी एम एम अपॉन टू आर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है माइनस जी एम एम तो यहां पे लिख देते हैं माइनस जी एम एम अपॉन आर के स्टूडेंट तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इट मीन जी एम एम अपॉन टू आर माइनस जी एम एम अपॉन आर ठीक है तो यहां से कॉमन हो जाएगा जी एम स्मोल एम अपॉन आर ठीक तो यहां पे वन अपॉन टू माइनस वन यानी इसको सॉल्व करेंगे अगेन स्टूडेंट तो क्या मिलेगा हमको माइनस जी एम एम अपॉन टू आर दिस इज वर्ट टोटल एनर्जी ऑफ सेटे लाइट क्लियर स्टैंड